नमस्कार, मैं आरती यादव और आज हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स UPSC नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए गए हुए थे। कैसा पेपर हुआ आपका? पेपर का लेवल कैसा रहा? 11th से क्वेश्चन आए हुए थे या 12th से? साथ ही साथ पेपर इजी या मॉडरेट था या हार्ड था बहुत ज़्यादा, ये मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। मैं तो ऐसी आशा करती हूँ कि आप सभी का पेपर बहुत ही अच्छा गया होगा। आपने जितना पढ़ा होगा 2-3 महीने में, 4 महीने में, उसका आपको पता चल चुका होगा कि कितना क्वेश्चन हम करके आए हुए, ये आपको पता चल चुका होगा। ठीक है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ज़्यादा। जब तक आपका रिजल्ट ना आ जाए तब तक किसी भी स्टूडेंट को टेंशन नहीं लेनी है। मेरी बात को ध्यान से सुने। दूसरी बात, आप मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स इस टाइम कमेंट करेंगे कि मैम इसका रिजल्ट कब आएगा और मुझे कितने नंबर लाने होंगे, क्वालिफाई मार्क कितने आपके होने चाहिए जनरल OBC SC ST वालों के लिए, तो वो अभी हम आपको आगे बताएंगे। दूसरी बात, यदि आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या नर्सिंग एप्टीट्यूड GK जो भी क्वेश्चन आपको याद हो, 10 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन जो भी आपको याद हो, आपके दिमाग में आ रहे हो, तो आप मेरे पास सेंड कर सकते हो, जिससे हमें भी पता चल जाएगा कि पेपर में क्वेश्चन कैसे पूछे गए थे। उसके लिए आपको क्या करना होगा, तो एक हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसकी लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी, उसी टेलीग्राम चैनल पर आप क्वेश्चन को सेंड कर सकते हो। आप यदि रास्ते में हो तो कोई बात नहीं, घर पे पहुंच जाने के बाद शाम को आप मेरे पास क्वेश्चन को सेंड कर सकते हो, नहीं तो आप कमेंट बॉक्स में भी, इसी कमेंट बॉक्स में लिख भी सकते हो। ठीक है, तो एक बार सभी बच्चे जितने भी क्वेश्चन आपको याद हो वो जरूर लिखें, ठीक है, जिससे बाकी के बच्चों को भी पता चल जाएगा कि पेपर कैसा आ रहा है, पैरामेडिकल के जो बच्चे आगे देने जाएंगे उनको भी पता चल जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि पेपर हो जाने के बाद अब आपका आगे आपको क्या करना है। तो जिन बच्चों का पेपर हो चुका है आज, वो सभी बच्चे अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। आगे अब आपका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट कब आएगा तो अभी हम आपको बता रहे हैं, और काउंसलिंग फिर आपकी होगी। तो काउंसलिंग के लिए आपको बहुत ही ध्यान से सुनना होगा कि जो बच्चे काउंसलिंग में भाग लेंगे, सभी बच्चे लेंगे काउंसलिंग भाग, तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स को तैयार करके रखिएगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स में क्या तैयार करके, तो 10th और 12th की मार्कशीट आपकी बिल्कुल सही होगी, 10th और 12th की मार्कशीट बिल्कुल सही करा लें, कोई दिक्कत हो उसमें तो वो सही करा लीजिएगा नाम वाम में, क्योंकि वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है। और जो OBC वाले स्टूडेंट्स हैं वो अपना कास्ट सर्टिफिकेट है वो 6 महीने के अंदर का उनका होना चाहिए। यदि आपका कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बना हुआ था तो अब अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लें, क्योंकि काउंसलिंग के टाइम ये लगेगा। और जो EWS वाले बच्चे हैं वो EWS को भी बनवा लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि 1 साल के अंदर का आपका होना चाहिए। समझ में आया? तो डॉक्यूमेंट्स अपने तैयार करके रखिएगा बिल्कुल अच्छी तरीके से। अब बात करते हैं कि रिजल्ट इसका कब आएगा। तो देखो, रिजल्ट जो आने में इसका टाइम लगता है, जैसा कि पिछली ईयर आपका रिजल्ट आया हुआ था, पेपर आपका ऑफलाइन हुआ है तो ऑनलाइन पेपर होता है तो जल्दी रिजल्ट आने की संभावना होती है, लेकिन ऑफलाइन पेपर जब भी होता है तो रिजल्ट आने में 10 से लेकर 15 दिन लग जाते हैं, 10 से लेकर 15 दिन आपके लग जाते हैं। तो आपका रिजल्ट जो है, जैसा पिछली ईयर आया हुआ था, तो लगभग जून लास्ट तक आपका रिजल्ट जो है वो आने की पूरे चांस है, और आ भी जाएगा, और आ गया था पिछली ईयर, ऐसा ही पिछली ईयर हुआ था। तो 10-15 दिन का आप वेट कीजिएगा, उसके बाद आपके रिजल्ट आने के बाद ही आपकी तुरंत काउंसलिंग होगी। रिजल्ट आपको इसी वेबसाइट पर पता चल जाएगा कि इतना रिजल्ट कैसा है आपका, कितने क्वेश्चन आपके सही गए हुए हैं, वो आपको इसी वेबसाइट पर पता चल जाएगा। जैसे ही आएगा हम आपको बता देंगे, और जैसे ही रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने के बाद फिर आपकी काउंसलिंग होगी। काउंसलिंग जो आपकी होती है वो आपकी ऑनलाइन होती है, यहाँ पर आपको ऑनलाइन काउंसलिंग करानी पड़ती है, फिर आपको कॉलेज में जाना पड़ता है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए। तो आप सभी स्टूडेंट्स अपना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है वो सही बिल्कुल करा लीजिएगा, वो डॉक्यूमेंट्स सही करा लें, कोई भी डॉक्यूमेंट्स में दिक्कत है तो उसे आप सही करा लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं कि इसमें क्वालिफाई मार्क कितने चाहिए, मिनिमम कितने होने चाहिए आपके। तो देखो, जनरल वाले जो बच्चे हैं वो आपके द मिनिमम क्वालिफाई क्राइटेरिया ऑफ एंट्रेंस टेस्ट टू एडमिशन टू BSc नर्सिंग एज एन अंडर, कब आपके जो जनरल वाले बच्चे हैं उनका जो नंबर क्वेश्चन जो सही होना चाहिए कितने परसेंट, तो 200 में से आपके 100 क्वेश्चन सही होने चाहिए, 200 में से आपके कम से कम 100 नंबर आपके होने चाहिए, तभी आप काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। ठीक है, मिनिमम। और उसके बाद आपके जो जनरल PW वाले जो बच्चे हैं उनके कम से कम 90 होने चाहिए, SC ST OBC वालों के लिए 80 कम से कम क्वेश्चन सही होने चाहिए, तभी आप काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। ठीक है, और आप बात करते हैं कि तो कॉलेज कितने नंबरों पर मिलेगा, यदि आपको बेस्ट कॉलेज चाहिए यूपी में, यूपी के बेस्ट कॉलेज जैसे KGM हुआ, GSBM हुआ, आपका
या आपका राम मनोहर लोहिया है, या आपका सैफई कॉलेज है आपका पैरामेडिकल, वहाँ से आपको बीएससी नर्सिंग यदि करनी है तो आपको कम से कम आपके नंबर 140 के प्लस यदि होने हो तो अभी आपको आराम से कहीं ना कहीं सीट मिल जाएगी, ठीक है। 140 से 45 के करीबन होंगे तो जितने भी होंगे वो आपको पता चल जाएंगे, रिजल्ट आने के बाद पता चलेगा, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब तक आपका रिजल्ट ना आ जाए आप कोई भी टेंशन ना लीजिएगा, अच्छे से काम करिए, पढ़ते रहिए मन लगा के आगे, और ये जीवन है इसमें सफलता या असफलताएं तो मिलती रहेंगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपका कुछ बच्चों का पहला ही पेपर होगा तो पहले पेपर में कम से कम आपने ये तो देखा होगा कि पेपर कैसे आता है, पेपर में कैसे सॉल्व किया जाता है, ये तो कम से कम आपको पता चल चुका होगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, रिजल्ट आने दो, रिजल्ट का वेट करिएगा आप सभी स्टूडेंट्स। और वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, कोई दिक्कत हो तो वो भी आप बता सकते हो। आगे जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी वो हमारे चैनल पर आपको मिलती रहेगी लगातार सटीक जानकारी के साथ। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और क्वेश्चन जो भी आपको याद हो वो सभी क्वेश्चन इस कमेंट बॉक्स में लिखने की कोशिश करें, तो जिससे हमें भी पता चल जाएगा कि एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद जय भारत।